उसको इस बात का यकीन और मजबूती के साथ यकीन कर लेना चाहिए कि उसने दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर ली है और आखिरत में भी अल्लाह उसे कामयाब बना लेंगे। यकीन मुहतरम अमल पे हम मोहब्बत का करें आलम, यकीन मुहतरम अमल पे हम मोहब्बत का करें आलम, जहां की जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर। यकीन हमारा ऐसा हो कोई टाल कोई कोई उसमें कुछ भी गुंजाइश ना हो, ऐसा यकीन हमारे दिलों में जमा ले अल्लाह का और उसकी बातों का, नबी का, कभी की बातों का। अगर इस बात पर जम जाता है तो अल्लाह इसके जमने को कहा अल्लाह कह दिया और अल्लाह कहकर इस तकारू जम गए। अल्लाह कहने के बाद हमें जमना पड़ेगा उसी के, न हवा न फजा, बीमारी मुसीबतें न आफतें, कोई भी हमें उस जमने से हटा न सके। ऐसा यकीन ऐसा यकीन आदमी दिल में जमा ले कि उसके बिना कुछ नहीं है, सब बेकार है, एक अल्लाह का कुछ है। अगर हम जम जाते हैं, अल्लाह कहता है कि मैं ऐसे बंदों ही को चाहता हूँ, ऐसा ही बंदों से चाहता हूँ, उनका यकीन ऐसे ही होना चाहिए जैसा कि मैंने कहा। अगर ईमान हम अपने ले आए, ईमानिया की बातें आती है हमारे सामने रोज रोज़ सुबह शाम दिनों रात, चाचा का ईमान, अल्लाह का ईमान, हमें तो मिला हुआ लाई करती है इसकी फरिश्तों का ईमान, वह कुतुब ही उसकी सारी मुनज़्ज़ल मिन अस्समा आसमान से उतारी गई है अल्लाह की किताबें, एक तो हम जानते हैं चार किताबें, इसके अलावा भी किताबें और हमारे लिखते हैं दस किताबें मुनज़्ज़ल मिन अस्समा और सही से छोटी छोटी किताबें हर नबी के दौर में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी सही दे दिए गए और मूसा को भी सही दे दिए। तो इन तमाम किताबों पर ईमान, वह रसूल ही और उसके रसूलों पर ईमान, किसी एक रसूल को ऊंचा नीचा नहीं, सबको अल्लाह की तरफ से मानना पड़ेगा, चाहे हमारे जमाने में रहे न रहे, अल्लाह ने उन्हें भेजा, उसे दीन का काम दिया और दुनिया से तशरीफ ले गए। अखीर में हमारे नबी नबियों के नबी इमाम मुसलीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह ने भेजा, यह सब सही माना। वलियौम आखिर, कयामत के दिन पर ईमान, हमें वो नजर नहीं आना जहालत की वजह से क्या ना कुछ मेरा भाई क्या ना कुछ कह जाता है, देखा है आखिर जो कुछ करना है दुनिया में कह लो, कोई नहीं देखा, देखा है रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे जन्नत का भी सैर करवाया, जहन्नम का भी सैर करवाया और हालात जहन्नमियों के भी दिखलाए और जन्नतियों के अहवाल को करवाए, करवाई सारे सच्चों के सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने कह दिया है। यकीन रखो मुसलमानों, ये होगा होता रहेगा जब तक अल्लाह दुनिया की बात लिखा है, ये दुनिया फना होगी और कुल्लमन कुल्लमन अलैहा अल्लाह का पैदा करने वाला है, हमारा आपका पैदा करने वाला है, वो खुद कह रहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी, कौन कहेगा।
आखिरत का दिन एक दिन अल्लाह जमा करने वाले हैं पूरी कायनात के इंसानों को, जानवरों को, जिन्नात को, इंसान को, आखिरत के दिन पर मजबूत ईमान। والقدر خيره وشره من الله تعالى। अच्छाई आपको पहुंच रही है तो भी अल्लाह की तरफ निस्बत करो, और बुराई पहुंच रही है तो भी उसको अल्लाह की तरफ निस्बत करो। अल्लाह ने चाहा कि ये हुआ है, अल्लाह ना चाहता तो एक अमली के पत्ते से छोटा छुई हुई कबर का भी बगैर कर दिए खुदावंदी के कहीं भी का अल्लाह की मर्जी होती है। ये सरकार में रखते हैं, अल्लाह की मर्जी नहीं होती है। पूरी दुनिया को घर के अंदर बंद करना अल्लाह का फैसला हो गया, पूरी दुनिया को घरों के अंदर बंद करने का फैसला रब जलाल का आ गया, सब घरों के अंदर बंद हो गए। कयामत आएगी कानों के पर गरज की दंदगानी, चीख की चिंभान भी जिस दिन के इंसान भाई से माँ बाप से यारों से भागेगा, शरीर के जिंदगी से आँख के तारों से भागेगा, कयामत की घड़ी होगी बला सर पर खड़ी हो से अपनी परी होगी उसे अपनी परी होगी। जिन नौजवानों ने 99 का तूफान नहीं देखा, फन्नी तो देख लिया होगा, कहीं घर आया नहीं फन्नी आया। हम लोग मस्जिद में थे, नारियल के पेड़ गिरा एक मीनार को, वो मीनार लेके दूसरे मीनार को पटका। हम लोग समझ रहे थे कि शायद मस्जिद पूरी की पूरी भर गई, इतना जोर साउंड आया नारियल का दर एक मीनार पे, वो एक मीनार दूसरे मीनार पे, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी मस्जिद भर रही है। धम धाम करते इतने जोर साउंड हुआ, दिल कांप गया, थक गया, और सामने ही दरख्त सब यूं मुड़ते 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 गिर रहे थे। अल्लाह का फैसला आ गया था। और ये क्या छोटा मोटा नजारा ना दिखाते, असल पूछा तो अल्लाह लाने वाले है। जिस सूरह इज़ाज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ के अंदर फरमाया इज़ाज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने पूछा तो जल्दी लाने वाले है, पूरी कायनात के अंदर लाने कहीं कहीं दिखा देते भूमि का भूमि का कहीं नहीं अल्लाह दिखा देते, लेकिन कयामत से पहले अल्लाह पूरी दुनिया को भूचाल में लाएंगे, पूरी जमीन हिलेगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अखरजत अर्द अस्फालहा, जमीन अपने अंदर का खजाना निकाल कर दीवार डाल दी, अपने बोझों को निकाल करके ऊपर डाल दी। वकाल अल-इंसान मा लहा, मुफस्सिरीन लिखते हैं वकाल अल-इंसान से मुराद कुफ्र वाले, या फिर इंसान कहेगा अरे जमीन को क्या हो गया है, एक जमाना हम ढूंढते थे खजाना मिलता नहीं था, अब तो निकाल कर कुछ भी बाहर निकलेगा। ईमान वाला नहीं कहेगा, ईमान वाला तो कहेगा ना जो पहले ही कह चुका है कि जमीन अपने अंदर के खजानों को निकाल कर बाहर कर देगी। लेकिन उस वक्त क्या काम आने वाला, अब तो कयामत ही आई, भूचाल आएगा, तबाही आएंगे, जमीन आसमान के कुरान मिला दिए जाएंगे, पहाड़ रूम के खाले की तरह उड़ते फिरेंगे। आइए बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के हुक्म अल्लाह के उस फरमान को तराशो, सीखो, दीन की बातों को सुनो, सब समझ में आएगा कि हमारी जिंदगी मकसद ये है कि हम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया में आए हैं, कोई दूसरा काम नहीं। दुनिया में आने का मकसद मालिक की राजी करने, कंपनी के अंदर नौकरी करने का मकसद उस कंपनी के मालिक को खुश रखना है,
तनख्वाह भी देगा, बोनस भी देगा, अलग से बेटी की शादी में भी कुछ दे देगा, बेटे की शादी में भी दे देगा, देगा ही देगा। मालिक अगर खुश है तो नवाज पे चले जाएंगे। वो मालिक कायनात का मालिक रब्बे जलाल अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझे पहचान के आए। तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तब मैंने मखलूक को पैदा किया। इस मखलूक को पैदा करने का मकसद अल्लाह का क्या है? मखलूक अपने रब को पहचाने, अपने रब को पहचाने कि वो रब रोंगटा बनाने वाला, नाखून से लेकर के पैर के नाखून तक, सर से लेकर के पैर तक, जोड़ों को जोड़ने वाला, अंदर का अंदर के अहवाल को जानने वाला, बनाने वाला, और इंसान के हर अजू को, कायनात के हर चीज को मुनासिब अंदाज से ऐसा पैदा किया है। हम अगर गौर करें एक एक चीज पर उसकी कुदरत पर, तो समझ में आएगा कि है कोई पैदा करने वाला जिसकी वजह से कायनात चल रहा है। सूरज अपने वक्त में चल रहा है, डूब रहा है, चांद अपने वक्त में निकल रहा है, डूब रहा है, दुनियावी बातें करना मना है, दीनी बातों की इजाजत है। हम रुक जाते हैं, अलग बात है, दीनी बातें अगर सच्ची रहती है, अजान होती रहती है, उसमें कोई रुकावट की जरूरत नहीं। कुरान पढ़ रहे हैं, अजान हो रही है, क्या करें? कुरान बंद कर देंगे ना, जारी रहे। हाँ, अजान हुई, आप लोग भी बैठ गए, पहले अजान सुन लीजिए। तरीका यह है कि पहले अजान सुन ले, उसके फिर कुरान पढ़। लेकिन अगर पढ़ रहा है पहले से, तो अल्लाह का जिक्र है, तो जिक्रुल्लाह से रोकना नहीं, बल्कि आदमी को चाहिए कि अपनी दुनियावी बातें करें। यहाँ तो मौलाना साहब से रोक दिया गया अजान होने, लेकिन लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, दुनियावी बातें मना है, सलाम करना मना है, नहीं हो जाता है, हमें समझाना है, बताना, हमारा काम है बताना, हमें बताने में क्या होता है। फिर वो बस इतनी आसान हो गई। अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि अजान अल्लाह की तरफ से गोया के निदा आवाज दी जा रही है, मेरे बंदो मेरी तरफ आओ। जब तक टाइम नहीं होगा मस्जिद के मजार से रखने की खड़ा होगा अजान दे दी। अगर दे दिया तो लोग जाके रोकेंगे दोबारा अजान दे, टाइम हुआ तो दे दिया, लिहाजा टाइम हुआ दे, तो टाइम लाने वाला कौन? تولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل اللہ کہتے ہیں دن کو رات میں گزارتا میں ہوں اور رات کو دن میں گزارتا میں ہوں۔ نماز پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ کب رات تھی اور دن گھس گیا، کب دن آ گیا رات ڈھونڈ گئی۔ یہ سب نمازی اگر نماز پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی 5:42 طالباً مغرب ہے، जबकि ये और कम से कम से कम से आएगा या फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा। ये जाना आना ये अल्लाह लाते हैं। सूरज कितने देर से निकल गया बोलो? सूरज कितनी जगह से निकलता है बोलो? कोई एक आदमी बोले, अच्छा बोले, सच बोले, ठीक बोले, बोले तो हम क्या सोचते हैं देर से निकलता जी? सूरज निकलना तुलू निकलना एक जगह से समझते हैं। अल्लाह कहते हैं क्या कहते हैं अल्लाह का? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, दो मशरिक का खुदा, दो मग़रिब का खुदा। सूरज दो जगह से निकलता है, गर्मी के मौसम में सीधे निकलने से और सर्दी के मौसम से ढल के निकलता है। अब गौर किया नहीं? अल्लाह कहते हैं तुम्हें पैदा करने वाले अल्लाह है, निकालने वाले भी अल्लाह है, डुबोने वाले भी अल्लाह है, तो उसका उसको बताने वाला कौन है? अल्लाह ही बताते हैं। आप गौर कीजिए कि
गर्मी का मौसम में तबला इधर है ठीक बीचों बीच ऐसे निकलता है, और सर्दी के मौसम में बिल्कुल ढल के चलता है, तो दूरी हो जाता है दुनिया से। अब अल्लाह जिधर किस तरह लिए हैं वो अल्लाह ही जानते हैं, लिहाजा अल्लाह खुद कहते हैं कि रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मग़रिबैन। तुम्हें अभी कहा था अजान अहम तरीन चीज कि जिसके देने वाले को कल कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन अल्लाह अता करेगा, पहचाना जाएगा हश्र के मैदान में। लोग पूछेंगे ऊंची लंबी गर्दन वाला कौन, कहा जाएगा वो अजीम है, अल्लाह की तरफ से मुनादी था, अल्लाह के लिए जाकर खड़ा होकर आवाज देता था, अल्लाह के बंदे अल्लाह के दरबार में आते थे। इसलिए अजान को अहमियत दो, और उसको हम और आप चाहिए कि उसके जवाब दें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहे तो वो जाके हम उसकी गवाही दे रहे कि तुम अल्लाह अल्लाह को बड़ा कह रहे हो, मैं भी अल्लाह को बड़ा कह रहा हूँ। तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है अकेला है ना शरीक है, मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है अकेला है ना शरीक है। तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूँ, तो मैं भी गवाही देता हूँ। इसी अजान पे एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में सहाबी बने थे कुफार मुशरिकीन के बच्चों में से, इत्तेफाक से उस अजान का वो मजाक उड़ाते थे, शीर की वजह से मजाक उड़ा रहे थे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा, कहा कि क्या क्या खाते हो रहे थे, खाते हो रहे मजाक उड़ा रहे थे, अब डर गए सहम गए घबरा गए कि क्या होगा, मैंने उस तरह बोल दिया कमेंट पास कर दिया चिढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोलो जो बोल रहे थे बोलो, मैं तुम्हें सब कोई बुरा सलूक नहीं करूंगा बोलो। तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दो दो बार कहते चले गए, अशहदु अल्ला एक बार, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं थे, क्यों ना अरब थे अरबी रहने से वाकिफ थे और मानते नहीं थे हुजूर तो मुहम्मद नबी है अल्लाह के रसूल है, अल्लाह को मानते थे लेकिन रसूलुल्लाह को मानते थे, वही रुके रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे हाथ रखा, आपके इस नूरानी हाथ की बरकत से ऐसा दिमाग रोशन हुआ कि जुबान से निकला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो अब उसी वक्त से ईमान में दाखिल हो गए। तो अब जो है अरब में मक्की के अंदर जो अजान दी जाती है वो कलिमात दो दो होते हैं अजान के, लेकिन तकबीर जो कही जाती है वो हजरत क्या नाम था इमाम शाफी, इमाम शाफी साहबी रसूल जो हुए जीव की गवाही को अल्लाह के रसूल ने दो गवाहों के बराबर की थी। खैर तो वो साहबी रसूल ने वो कलिमा कहे थे जो आज अरब में जारी है, लेकिन तदबीर के वक्त में अजान तो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे अजान दी जाती है जी दो कलिमा के साथ। अजान की अफजलियत इस कदर है कि हजरत बिलाल को अल्लाह के रसूल ने ऐसा चुना कि फतेह मक्का जब हुआ सारे सहाबा कहते थे कि काबा तो फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, हम चल करके अजान देंगे काबे को ऊपर के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल मेरा हम है तू जाके खड़ा होकर अजान दे, काला चलोटा भुजंगा गुलाम अपने जमाने का वक्त पर कहां का हवस कर रहने वाला, लेकिन चूंकि उन्होंने अल्लाह के नाम पर ऐसी कुर्बानियां दी थी ऐसी तकलीफें उठाई थी यहाँ तक के मुशरिकीन ने ये कह डाला मोहम्मद मुस्तफा को कोई पढ़ा लिखा दिया नहीं अजान देने के लिए, एक बेलाल काला कलोटा उसके मुंह से बड़ी शीर की अदाई नहीं हो पा रही है, अशहदु अल्ला मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोल पा रहा है और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोल पा रहा है, बड़ी शीर की अदायगी नहीं होती है, उसको खड़ा कर दिया है। अल्लाह के रसूल को सदमा हुआ तकलीफ हुई, आपने रोक लिया बिलाल तुम आज से अजान मत देना, दूसरे सहाबी को मुकर्रर कर दिया गया, दूसरे सहाबी ने अजान दी थी नमाज की हो गई, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और कहा या अल्लाह के लाल के नबी क्या आज अजान नहीं हुई, कहा अजान भी हो गई और नमाज भी हो गई, अगर आसमान में फरिश्ते मुंकरते रहे बिलाल अजान देंगे वहां नमाज अदा की जाएगी। ये था मकाम अजान का, इसलिए जो उन्होंने अल्लाह दिल से कहा करते थे।
थे जुबान से नहीं दिल से, और जब गए थे अल्लाह ताला ने ऐसा काम लिया कि दुनिया ने देखा हजरत बिलाल ही मुकर्रर हुए। लेकिन इस पर एक वाकया है कि इधर हुजूर ने हटाया उधर बिलाल जाकर अल्लाह के दरबार में तन्हाई में रो रहे हैं, एलिया या तो मेरी जुबान को दुरुस्त कर दे या मैं अजान के कलमात को बदल दे ताकि मैं सही सही अदा कर सकूं। अल्लाह ने कहा बिलाल मैं अजान को बदलूंगा, न तुम्हारे अपने जुबान की दुरुस्ती की जरूरत है, अजान तुम्हारा मेरा काम है, कबूल करना मेरा है। लिहाजा बिलाल की दुआ को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि ता जिंदगी हजरत बिलाल ही अजान देते रहे, और जबकि उनके जुबान से बड़ी शीर अदा कर ये है अजमत। अल्लाह कैसा कबूल है कि अल्लाह ने इन्हीं कलमात के जरिए से अपने बंदों को अपनी बंदियों को अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मुअज्जिन के जरिए दिलवाते हैं। जो मुअज्जिन अल्लाह के नाम को बुलंद करेगा अल्लाह हश्र के मैदान में उसके नाम को उसकी जात को बुलंद करेंगे, पूरा मैदान देखना होगा कि ऊंची और लंबी गर्दन वाला कौन। पूछा जाएगा तो कहा जाएगा ये मुअज्जिन है अजान देने वाला, अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाला है, बंदों के कान तक अपनी आवाज पहुंचाने वाला है। बहरहाल मेरा मौजूद सुखन था जिनमें बात कर गई, मैंने अर्ज कर दिया अजान से मुहब्बत करो, मुहब्बत का तकाजा ये है जैसे अजान आवाज पड़ी छोड़ो सब काम को और निकलो अपने दिल जलाल की तरफ झुकने के लिए उसकी इबादत के लिए, बावजूद होकर चलो कदम दर कदम अल्लाह ने की उसे नवाज दिया। भाई और दोस्तों रसूल करीम सैयद आलम जिनको अल्लाह ने सबसे आला वारिसा बनाया, आपका मकाम सारे नबियों से बुलंद किया, अल्लाह ने नबी पाक ने अल्लाह ने ऐसा अदा किया कि सारे नबियों के ऊपर नबी बनाया, सबका नाम अपने तौर पर अल्लाह ने रखवाया। लेकिन जब कलमे का जिक्र आया तो वहां कलमे में अगर किसी का नाम अल्लाह ने रखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा, तो आज चार जगह तकरीबन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, और हर जगह अल्लाह ने अजीब अंदाज से जाने अंदाज से आने अंदाज से पुकारता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कई कहा मा कान मुहम्मदुन लदा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वखातमन नबीयीन। सुभान अल्लाह, क्या क्या अंदाज है अल्लाह का, जिससे प्यार होता है उसको प्यार ही से मिलाया जाता है, इससे लाड होता है उसको लाड में ही अल्लाह से मिलाया जाता है। मेरे आका सैयद आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने धरती पे भेजा ताकि मेरे बंदों को मैं समझाऊं, उन बंदों को मैं अपनी बात बताऊं, मेरे नबी के जरिए से उन तक बात पहुंचे। मेरे आका ने बचपन से अपनी जिंदगी को अल्लाह ने ऐसा पाकीज़ा रखा कि आप न तमाशे में, न झूठ में, न शरारत में, न खुलासत में, न गंदगियों में, न मेरे फेरे में, न कहीं और किसी पोहशकार की तानी मजलिस में, बचपन से जाने से अल्लाह ने ऐसा हिफाजत किया कि अगर उनके साथी चाहे पे उठा कर ले जाए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अधर को अल्लाह इतना मदनी बना देता था कि उनको उठाया नहीं जाता था, वो बेहोश होकर वहीं ले लिया। अल्लाह ने बचा कर रखा नहीं तो हुआ, अल्लाह ने आपकी जिंदगी को बाकी रखा बचपन की जिंदगी, बड़े हुए अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई और आपको अल्लाह ने महफूज रखा कि मेरा नाम का नबी किसी उस्ताद के सामने जानवर तलबूज नहीं देते। मौलाना वसीमुल्लाह मेरे पास पढ़े, मौलाना लियाकत मेरे पास पढ़े, मौलाना नूरुल्लाह, मौलाना इनामुल्लाह, मौलाना अताउर रहमान और कौन कौन सब पढ़ रहे थे वन मदरसे शेर करके मौलाना रिहान और कौन के मुझे याद नहीं रहा, और हमने भी किसी उस्ताद के सामने जाने में कदम नहीं देखा, किसी की डांस सुनी, किसी की फटकार सुना, लेकिन अल्लाह ने चाहा मेरा नबी किसी का शागिर्द न बने। उस्ताद वाजिबुत ताजीम होता है,
लिहाजा अल्लाह ने कहा मेरा नबी मेरा शागिर्द बने, अब अपना अल्लाह अल्कुरान। अल्लाह ने जब कह दिया रहमान ने पढ़ाया कुरान, किसको पढ़ाया? तालीम जिब्राइल तो थी बस बराए नाम, तालीम जिब्राइल तो थी बस बराए नाम, हजरत वही से आए थे ये पढ़े हुए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने पढ़ाया और रहमत वाले शान के साथ पढ़ाया, तो आप क्या बने? रहमतुल आलमीन बने। अल्लाह चाहते थे मैं रहमान दुनिया वल आखिरा हूं, पूरे आलम के लिए रहमान मैं हूं, आखिरत के लिए रहमान मैं हूं, लिहाजा मेरा नबी भी पूरे आलमीन शान के साथ बने, लिहाजा आपको मा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम के लिए रहमत बना कर दिया, अपनों की रहमत, बेगानों की रहमत, जानवरों की रहमत, दोस्तों की रहमत, दुश्मनों की रहमत। रिवायत आता है 10 साल 13 साल की जिंदगी मक्का की गुजार कर तकलीफों पर तकलीफ बढ़ती गई, अल्लाह ने कहा मेरे नाम नबी अब मदीने का रखते सफर मान लिए, पूरे लंबे वाकयात है, बहुत लंबे हुए हूँ, मैं वो फसल करते हुए याद करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दे दिया मदीना तशरीफ ले जाए। आप मदीना तशरीफ ले जाने लगे, उससे पहले जी चाहा मैं अपने रब के घर में काबे को दुआ अदा करूँ, दो रकात नफल पढ़ लूँ, लिहाजा काबे के चाबी पर कहा उस्मान बिन तलहा से, कहा ए उस्मान जरा चाबी ले काबे का, मैं अल्लाह के सामने दुआ अदा करूँगा। ये नहीं बताया कि मैं मदीना जा रहा हूँ आप घर करके आप तशरीफ ले जा रहे हैं क्या दुश्मन पीछा न करे, लिहाजा आप चाबी देने से उस्मान बिन तलहा ले लूंगा और कहा कि मैं नहीं लेता कि ये चाबी, तू हमारे मित्रों का दुश्मन है, ये है फला फला जो कुछ कहने लगा। आपने फरमाया उस्मान याद कर उस दिन को कि जिस दिन ये चाबी मेरे हाथ में हुई, आपको इतना कहना था उस्मान बिन तलहा ने और ज्यादा भक्ति भक्ति गालियां मेरे आका जो तो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर दी। आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि हिम बुद्ध बाकी बर्दाश्त का मादा अल्लाह ने इस कदर रखा था, इस कदर मौजूदन था, अल्लाह चाहते थे मैं हलीम हूँ बर्दाश्त करने वाला, मेरे नबी के अंदर भी वो सिफत हो, अल्लाह ने सिफत दिया था, अब बर्दाश्त करते थे खूब बर्दाश्त किया। मेरा खेल हर के जो के लिए और लंबा चौड़ा वाकया सारे शौर में गए और फिर मदीने का सफर तय किया, मदीने में हाजिरी हुई, तमाम हालात सामने आए, जो उधर जो लोग आते गए मदीने के अंदर इस्लाम में दाखिल होते गए, मिला की सुलह होने दिया, आप आए और वहाँ पर सुलह ये हुआ तो आप उम्रा नहीं कर सकते, यूं ही कुर्बानी करके जाइए या हुजी लेकर चले जाइए, मिला कर आप मतलब वापस दे। फिर अगले मरतबा जब आना हुआ सरवर कौनैन का, आप आए आए तो उधर मक्के वाले परेशान हैं कि 10,000 जन्मे बकीर के साथ मोहम्मद आ रहे हैं मदीने से, अब हमारी खैर नहीं, क्योंकि 13 साल तक हमने बहुत सताया था मोहम्मद को और मोहम्मद के मानने वालों को, कभी मिट्टी मिलाते थे उनके खाने में, कभी चादर डाल करके मरोड़ते थे, कभी मैं गुजरते हुए जो आया मां ले आकर बता रहे थे कि पीठ में ऊझड़ी ऊंट का नाकर लाद देते थे, हरम शरीफ में आप सजदे में है खाने में, और इधर इतनी तकलीफ होती थी कि हम अपने दिन फातिमा को जहरा से निकल कर उन लोगों को कहना पड़ता था कि मेरे क्या तकलीफ दी है तुमको कि आज इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ में उनको डाल रहे हो। आप मक्का आए हैं तो घर वाले मक्के के सारे सारे परेशान हैं कि अब हमारी खैर नहीं, मोहम्मद को और मोहम्मद के साथियों को हमने सताया,
किया था, आज उसका बदला लेंगे लोग और हमें टुकड़ा टुकड़े कर डालेंगे, दौलत लूट लेंगे और उनकी इज्जत का कर देंगे। जो बातें हो सकती थी वो सुनने सोच रहे थे। और तो इतने में रात हो गई, सारे सहाबा शहर काबा में बैठ करके इबादत में है, कोई शुक्राने की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई अब जलाल से दुआएं दुआ कर रहे हैं। फिर ये पाक बिहार में पाक में है, मक्का की मुशरिका औरतों ने अपने मर्दों को भेजा कि हम तो डर से सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हाल है, जरा जाओ तो देखो मोहम्मद और उसके साथियों का क्या हाल है, कहीं हमारे घरों की तरफ रात में कुछ तो नहीं कर रहे हैं, चढ़ाव तो नहीं कर रहे हैं। मिलाकर मर्दों को निकाला, मैदान गए, जाते रहे सड़कों पे, देखा कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, हमें पास पहुंचे, देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अपने रब के सामने सर्वसुजूद है। लिहाजा वापस आए और अपनी घर की औरतों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस खदशे खौफ से तुम लड़ कर काम कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, ऐसी बात नहीं है, हम अभी जाकर देख करके आते हैं। मोहम्मद उसके साथी काबे के पास सर्वसुजूद है, अपने रब से लौ लगाए हुए बैठे हुए हैं, तुम इतनी रात सो जाओ। मर्दों ने भी चैन की सांस ली, औरतों ने भी सब सो गए। सरबरा को लेकर सुबह सवेरे सरवरे को ने देखा उस्मान बिन तलहा जो चांदी का काबे का चांदी बंदा हरम में आया, तो आपने फरमाया उस्मान चांदी को काबे की अब मजार सकत न थी के इंतजार करने का, चांदी आप सल्लम के हाथ में दिया, आप सल्लम ने चांदी लेकर काबे की ताले को खोला, अंदर दाखिल हुए, आपके साथ हजरत अली भी है, हजरत अब्बास भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अबू बकर उमर, सबके सब बड़े बड़े सहाबा अंदर साथ में, आपने जो गाना अदा किया और बाहर तक निकले, सारे सहाबा खुश है कि अल्लाह के घर में और के हमें इबादत का मौका मिल गया। ख्याल ही है, हजरत अब्बास कहते हैं मैं चाहता था कि आपसे कहूँ चांदी मुझे दे दीजिए ताकि मैं अल्लाह की खिदमत कर सकूं। अली सोच रहे हैं कि आप चांदी मुझे दे दीजिए ताकि काबे की खिदमत कर सकूं। बिलाखिर अल्लाह की वो आयत उतरती है, रब अपने नबी को हुक्म देता है, अंतुअतुल अमानत इला अहलिहा, ये अमानत जिसकी है आप उसी को वापस कीजिए। चाबी आपने किसे ली थी? उस्मान बिन तलहा, उस्मान बिन तलहा से ली थी आपने। तो अमानत किसकी हुई? बोलो उस्मान बिन तलहा की हुई कि नहीं? जिससे चाबी लोगे उसके पास चाबी होगी। देखो मेरे आका का कितना बड़ा सीना था, किस कदर बड़े दिल के थे आप, अल्लाह बनाया था वैसे। अल्लाह ने हुक्म दिया ये चांदी उसी उस्मान बिन तलहा को दीजिए, हम होते देते पूरा पंचायत बन जाता और उसकी ऐसी कुटाई छटाई करते, तुम तुम के हम का धका ही दिए था आज की जगह था, होता कि नहीं होता मुसलमान। अल्लाह का नबी कायनात के तहवील अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कायनात के लिए खुलासा बनाया, कायनात आपकी वजह से बनाई, सारी कुवत सारी ताकत के बावजूद भी आप कदर रहम दिल थे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने चारी उस्मान बिन तलहा के हाथ में दिया। अब देखो अगर आप चाहते उसे टुकड़े टुकड़े कर पूरा मक्के पे कामयाबी का झंडा लहरा दिया गया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? न रहबर रहनुमा रसूलुल्लाह का अल्लाह है, अल्लाह जैसे रहबरी कर रहा है, रसूलुल्लाह उसी रहबरी में चलते हुए, जैसे अल्लाह जानते हैं क्या होने वाला। चाबी जैसे ही दिए थे हुजूर उस्मान बिन तलहा के हाथ में, उस्मान बिन तलहा का दिल ऐसा कमाल आया, कहने लगा उस्मान बिन तलहा ए मोहम्मद आपने काबे की चाबी मुझे दे दी है, मेरी दरख्वास्त है जन्नत की चाबी दे दीजिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुहु व रसूलुहु, मैं आया हूँ के बंदों को खुदा के घर पे
मैं आया हूँ के बंदों को खुदा के दर पे ले जाऊँ, न जाने दुनिया की वो उखरवी की राह समझाऊँ। या इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, बड़े जोर से पढ़ो। देखते एक आदमी जहन्नम में जाके जाके बचा है, अल्लाह ने उसको बचाया है। दुनिया की चाबी कांटे की चाबी खाने के बाद तो समझ रहा था कि आज मेरा खैर नहीं। जब अल्लाह ने उस पर रहमत वाला नजर डाला, अल्लाह के रसूल ने रहमत वाली शान के साथ चाबी वापस किया, उसका दिल कह उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो नहीं सकता कि मुहम्मद कुछ और हो बल्कि अल्लाह के सच्चे रसूल है, गवाही देने पर मजबूर हो। मैं आया हूँ कि बंदों को खुदा के दर पे ले जाऊँ, जाने दुनिया की वो उखरवी आह समझाऊँ। जो से पढ़ो कि नदी में गवाह हो जाए भाई, क्या पता कौन सा सेकंड मेरी हुआ आपकी हुई निकलने वाली। ये कलमा निकल गए होंगे, आता है लमा लिखते हैं कि खाली पर देव कलमा पढ़ दिया, आपके आपने सुन लिया, बार बार उसको गीत मत करो, पढ़ दिया मैं समझ लो अल्लाह ने कबूल कर लिया। पढ़ 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 पढ़, ये इससे नुकसान होने का खतरा रहता है। लिहाजा तौकीर बड़े सिद्धो फाउर से करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहला वक्त आप निकाले, चाहे कोई सा भी वक्त हो, आप
मकसद के तालीम के लिए आप रहेंगे वो अपने बच्चों का निकाले दीनिया से उन्हें शनाश कराए वो अल्लाह को पहचाने अल्लाह को जाने कि रसूल कौन थे किस मकसद के लिए आए थे दुनिया की जिंदगी को मनाने या आखिरत की जिंदगी को मनाने क्या क्या काम लेकर के आए थे उस काम को बच्चों को समझाओ इसलिए कि बच्चे जानते नहीं है हम कैसे तरबियत करेंगे हम कैसे उनको तालीमात दिलाएंगे वो बच्चों के अंदर वो खूबियाँ आएगी वो इंसानियत आएगी वो बाप माँ का एहतराम जानेंगे वो बड़ों का एहतराम सीखेंगे वो मकतब मस्जिद की अजमत को समझेंगे वो मदारिस की कदर करेंगे हम अपने बच्चों की तरबियत बड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी तवज्जो के साथ इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर हम अगर तरबियत न किए दुनिया से चले गए याद रखो मुसलमानों वो बच्चे खड़े होकर परेशान करते होंगे पकड़ हमारी होती होगी क्या तुमने अपने बच्चे को दो हर तालीम दी के नहीं दे सका क्या तू अपने बच्चे को ये तालीम नहीं दे सका कि बेटा मेरे दुनिया से चले जाने के बाद दो कलमे अल्लाह के कलाम के जिक्र करके वो ख्याल करके हो सदका दे करके हो मेरे लिए तू दुआ करता बेटा कितने बड़े हम मायूस और महरूम कहलाएंगे कि हम अगर अपने बच्चों को भी तालीम ये नहीं कहता कि सबको हाकिम बना दो सबको आलिम बना दो इतना जल्दी तालीम दे दो जिसको बच्चा सीखने के बाद सारी चीजों को समझ सके आखिरत को जान सके दुनिया को पहचान सके अपने रब को जान कर पहचान सके दीन तालीम से पूछना इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों को रसूल करीम इसी मकसद के तहत दुनिया में आए आपने सहाबा इकराम को पढ़ाया और फरमाया बुइसतु मुअल्लिमा मैं पढ़ने पढ़ाने वाला बना कर भी नहीं लगेगा और नबी को आए कोई दर्जी का काम लेकर के आया कोई बढ़ई का काम लेकर के आया कोई मुहाल का काम लेकर के आया मेरे आंखों को अल्लाह ने इल्म देकर के भेजा इसीलिए सबसे पहली वही जो नाजिल हुई अल्लाह ने फरमाया कि बिस्मि रब्बी जल्लजी खलक ये पढ़ा रहे अल्लाह ताला पढ़िए अपने रब के नाम के साथ पढ़िए छोटा बच्चा उसको सिखाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता नहीं तुतलाता रहता है उसकी आवाज कभी सही नहीं निकली उस्तादों की मेहनत उलमा की और मकतब के उधर रिसीव की मेहनत होती है तो आहिस्ता 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 दोस्तों ये मामूली कलाम नहीं है अल्लाह अकबर अल्लाह की बोल है अल्लाह की बोल और हमारे जैसे इंसानों की जुबान ये तो उसका करम है कि अपनी बोल को हमारी जुबान से अदा करवा लेता है काम तो उसका है वरना तो कहां अल्लाह का कलाम और कहां हमारी जुबान ये दाल क्या कहते हैं ये मंसूर की दाल बोलो ईमानदार इसे अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मामूली है लेकिन उसका करम है जो कुरान पढ़ते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जब कुरान में पढ़ता हूं तो मुझे अल्लाह से हम कलामी का मजा आता है तो उसी तसव्वुर के साथ ख्याल के साथ कि मैं अपने रब का कलाम पढ़ रहा हूँ उसको अजमत लिए हुए हम अगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका लज्जत हासिल हो मैं अपने रब का कलाम पढ़ रहा हूँ इसलिए भाइयों बुजुर्गों को रसूल करीम ने बड़ी तकलीफें उठाई है बड़ी मुशक्कतें झेली है दीन की निशान तबलीग और सुन पहुंचाने में हमको तो पका पकाया नहीं गया बोले ईमानदार इसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं किसी की मौत हो गई तो हाफिज साहब को गांव के मदरसे के तालिब इल्मों को हमको भी पढ़ना पड़ता नहीं रात बुला कर पढ़वा देते कितना आसानी हो गया क्या कुरान हमारे लिए पढ़ना नहीं है कुरान का माना ही है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब आज हाँ छोड़े ना कम से कम पूरे साल में एक मर्तबा कुरान का खत्म करना जरूरी भाई भाई नौजवान अल्लाह का दौड़ो अल्लाह के फरमाओ इल्लाह अल्लाह कुरान में कहते हैं ऐ मेरे बंदो अल्लाह की तरफ दौड़ो कहां दौड़ो तो दुनिया की तरफ दौड़ो
इसका माना कोई दुनिया के पीछे जाना नहीं है, ऐसा बात नहीं। जब अल्लाह का आवाज, जब अल्लाह की पुकार, जब अल्लाह का बुलावे आता है, अल्लाह की तरफ जाना है। कभी भी खड़े हो गए, चार चार पढ़ लिए बेहतर की नियत से, पर अल्लाह का बुला लिए, फिर सो गए। आजान पता नहीं किस किस काम के लिए हम देते, आजान आजान के लिए नमाज के लिए नहीं दे सकते, दे सकते हैं इनके लिए। नौजवानों, नमाज की पाबंदी इतनी जरूरी है, सहाबाए किराम में से किसी एक ने भी नबी के शागिर्दों ने नमाज से गफलत नहीं की। आज हम नबी के मानने वाले हैं, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, तो नबी का मानने वाला कैसा है? नबी का मानने वाला वो है जो नमाज की पाबंदी करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, 200 रकात रोजाना नफल पढ़ते थे, 200 रकात पढ़ते थे। इतने भाग से दिन गुजर रहे, कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग बैठे, इशारे इशारे में कहने लगे, ये बुजुर्ग जाते हैं ना, 500 रकात नहीं बोले। क्या कहा? 500 रकात नहीं पढ़ते। हजरत इमाम साहब ने फरमाया कि मैं सोच लिया कि कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे को 500 कहते थे, तेरी तारीफ में 500 रकात का बोल रहे थे, और तू 200 कर रहा था। हजरत इमाम साहब ने 500 रकात करना शुरू कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, बंदों के कहने से क्या नहीं कह सकते। अच्छों को तो चोर भी कहते थे, चोर को अच्छा भी कहते थे, बंदों का क्या? मुझे तो शुरू शुरू होगा किताबों में लिखा है, अल्लाह अल्लाह कितने डरने वाले थे वो अल्लाह वाले, इतनी इबादत के बावजूद भी अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र में नमाज में कोताही नहीं करते, और हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम किस उम्मीद में बैठे हैं, किस खाम ख्याली में बैठे हैं कि रब हमसे पूछ गछ करेगा, जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए टाल को छोड़े, हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा अल्लाह के बड़े नाम। एक आदमी कर्ज ले लिया हजरत से, अब जो कर्ज ले लेता तो दे देता, पर दौड़ रहा है परेशान, मांगो मांगते मांगते दुश्मनी भी शुरू हो जाती है। किसी शायर ने कहा, जरूरत पर अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाते हैं, अदालत और बढ़ती है। दुश्मनी भी क्यों करता है? दुश्मनी नहीं करिए तो पैसा देना पड़ेगा। दुश्मनी क्यों करता? बोलो, आपने पैसा दिया, दुश्मनी किया नहीं, मकसद उसका यह है कि अगर दुश्मनी करूंगा प्रसाद वाले में देना पड़ेगा। जो कर्ज लेता है इमाम साहब से कर्ज ले, कुछ दिन तक इंतजार किए, जब नहीं दिया हजरत तकाजा के फिर भी नहीं दिया, तो उसके घर के पास जाकर के धूप में हजरत पड़े, अल्लाह वाले हम तो ऐसे खड़े लोग हजरत पहचान गुजर में लगे, खड़े हजरत यहाँ धूप में खड़े हैं, हाँ ये मेरे भाई है, उनसे कुछ तकाजा था मिलने के लिए आए, नहीं बताया, नहीं बताया तो क्या? तो हजरत थे, उन्होंने कहा कि हजरत अच्छा होगा, खड़े हो जाएंगे, तो ये छप्पर का छाव रहता है, छप्पर छावनी जो होता है उसका छाव भी रहता है, तो छाव में खड़े हो गई, धूप में खड़े, पर मैं कह रही नहीं मैं चले गए। मजलिस लगी, लोगों ने उनसा पूछा हजरत, वहां पर कुछ ने कहा खड़े रहे धूप में, फिर वापस आ गए, क्या मकसद था? कहा कि भाई मेरा काम था, मेरे भाई का
तो क्या काम था? जाती मामला कहा कि बता दीजिए हजरत। कहा कि मेरे भाई ने कुछ कर्ज लिए थे, अदायगी की। धूप में खड़े छाव में तो खड़े होते थे। फरमाया कल कयामत के दिन अल्लाह यही कहते कि जिसने तुझसे कर्ज लिया था उसके छाव से तू फायदा उठाया था और ये छाव कहीं मेरे लिए सूद न बन गया। नहीं समझ सके? समझ सके? उस भाई जिसने कर्ज लिया है उसके छाव पर से भी नफा का उठा लूंगा। अल्लाह पूछेगा उसके छाव से क्यों फायदा उठाया था, वो भी तो सूद हुआ। जबकि वो सूद सुनता नहीं, लेकिन अल्लाह वाले इस कदर खौफ अल्लाह का उनके दिलों में रोज चल जाता। इसलिए हम डरे इत्तकुल्लाह सिर्री वल आलानी, एलानिया तौर पर भी अल्लाह से डरो, छुपके भी अल्लाह से डरो। ऐसा नहीं कि मजलिस में जो अल्लाह अल्लाह अकेले खैर करना वो अल्लाह अल्लाह का खूब होता है, तो कौन किस हाल में है, किस अंदाज में चल रहा है। भाई बहनों और दोस्तों, वक्त की कमी है, लंबा मजमून मैंने छेड़ा था, लेकिन यहाँ घंटा सोबर बाकी 8:44 हो गया, 9 बजे जमान है, 5 मिनट में दुआ होगी इंशाल्लाह। फिर यार अंदर से होगा बाकी कभी लगा वक्त मिला और इंशाल्लाह शुरू हो चुका है, हालात दुरुस्त हो गए हैं। अल्लाह ताला हालात को दुरुस्त फरमाए। हम तो आपको अपना खौफ अपनी खुशी अपना डर हमारे जिलों में अल्लाह पैदा फरमाए और आखिरत की आखिरत को हमें फिक्र की तौफीक अता फरमाए। घर वालों ने उठन आज बोले वो शैतान कंकर। अच्छा, अब वक्त नहीं है, 44 हो गया, 45 वजू भी करवा लो, नमाज भी पढ़ लो। अच्छा, एक दो शेर सुन लीजिए। वो हमारे लियाकत साहब के वाली जो है, बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत उसका है, क्या बताओ। अल्लाह इसका सिला मुझे आखिरत में दे। आप लोग भी हम नौजवानों से मैं तस्करा हर जगह करता रहता हूँ, बताया था जलसा था, नौजवानों ने बहुत ही कुर्बानी के तौर पर खड़े होकर के ऐलान भी करवाया था जमात में निकलने के लिए और सारे हालात रहते थे। बहरहाल ये कोई नई जगह नहीं है, लेकिन आज ऐसा घूम घूम के आया कि वक्त निकल गया, कहाँ कहाँ घूम के निकल गए। अबू जहल में कंकर जो लाया, अबू जहल में कंकर जो लाया, तो सरकार ने उसको कलमा पढ़ाया, मगर फिर भी नारी नहीं ईमान लाया। वो मैदान से भागा था दन 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 सा छेड़ू अपने दामने नफसन को हर करता रोएगा दन 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 दन। से छोटा जो है अकीक बच्चों का ये किया था हमने, अकीक अकीक का भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने भाइयों को खिलाओ, बहाने बहाने से खिलाओ, ये हुक्म है रसूल अल्लाह। वक्त होता तफसीली वाकया है, मदीने में पहुंच गई, पहली तकरीर आपने की थी और उसने कहा था कि लोगों को खाना खिलाओ, सलाम को फैलाओ और नमाज ऐसे वक्त में भी पढ़ो कि सारे लोग सो रहे हैं, इसको उलमा बताते हैं तहज्जुद की नमाज। इसलिए इन्होंने अपनी अपनी मजलिस कायम की, अल्लाह इनके बच्चों की उम्र में हयात में सेहत में बरकत अता फरमाए। इसी तरह जिनको भी अल्लाह तौफीक दे वो बच्चों का अकीक करे, उनके ऊपर से बलाएं मुसीबत से दूर हो जाती है। आफात से बच्चों का अकीक किया गया होगा, वही बच्चे कल कयामत के दिन मासूम, वही बच्चे जो बचपन में गुजर गए हैं कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने जिद करके अपने बापमां को बख्शाएंगे। अल्लाह कहेंगे जा जिंदगी बच्चा बेचारे बापमां को तो बेगुनाह होंगे पर अल्लाह से इस्तेमाल करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, जिद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मन मोहन की बात सुन लेंगे, हमारी बख्शिश चली गई है। अल्लाह हम सब को कबूल फरमाए, मेरी माँ बहनों को भी कबूल फरमाए, गाँव को यहाँ के मकानी यहाँ के बीवी तमाम कामों को अल्लाह ताला बरकत से नवाजे, कि हम इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह وإله واحد
जिन जी शरण फितनों से पनाह मांगी है उसे हम